तक हमारे लोकसभा की हिमाचल की बात है, अवश्य जो हम लोग बहुमत से 4 सीटें और अवश्य हम बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपने देखा है कि कैसे भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मंडी ले लीजिए चाहे वो शिमला ले लीजिए, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है। जहाँ तक आज की मीटिंग की बात है, आज ब्लॉक कसुमटी की मीटिंग जो है कांग्रेस भवन में रखी गई है। रणनीति तो हमारी पहले से तैयार है, हमारे जितने भी हालांकि मंत्री MLA सभी हमारे कार्यकर्ता वो खुद ही प्लानिंग करते हैं और खुद ही इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, लेकिन एक साथ होने का, एक मीटिंग करने का उद्देश्य ये रहता है कि किस दिशा में हम लोग काम करें और कब से हम लोग कन्वेंसिंग शुरू करें। उस संदर्भ में जो है आज कांग्रेस ऑफिस में हमने ब्लॉक कसुमटी की मीटिंग रखी है और जल्द ही जो है डोर टू डोर प्रचार जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ से विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, अभी विधायक भी हैं कसौली से, पढ़े लिखे जो हैं कैंडिडेट हैं, उनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक जो है लॉरेंस स्कूल सनार से हुई है और जनता के बीच में बिल्कुल वो रहते हैं और उसी शैली में रहते हैं और उनका दुख दर्द समझते हैं। और जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं, बेशक वो पिछले 2 टर्म से हैं पर उनका पब्लिक में कोई आना जाना नहीं है। अनाउंसमेंट्स करी हैं हमारे क्षेत्रों में भी, वो अनाउंसमेंट करके गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट करने के बावजूद उन लोगों ने अपने जो वादे हैं वो नहीं निभाए हैं, तो लोग जनता उनसे रुष्ट है और कसुमटी से अवश्य जो है अच्छी लीड जो है कांग्रेस के पक्ष में आएगी। तो बोल सकते 543 सीटें हमारी आ रही है, उसमें क्या है, बोलने में क्या है, लेकिन ये आपको 250 सीटें क्रॉस नहीं कर रही है भाजपा पूरे देश में।